Hello, welcome to Angrezi Yeh Yehe Hamara Pehla Idiom Ka Lesson. Aaj ka idiom hai, blessing in disguise. To sunte conversation ko. I have to take the train to work tomorrow. Why? What happened to your car? My brother is using it. I see. The next day. Agle din. Did you hear? There was a major accident on Highway 66 yesterday. It was a 15-car pileup. up Goodness, isn't that the highway you take to get to work? It's a good thing you took the train. I know. It was a blessing in disguise. So, <laughs> pehle maine I have to take the train to work tomorrow. Iska matlab hai, mujhe rail se DC train Why? What happened to your car? इसका तर्जुमा है क्यों तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ तो जवाब मिला My brother is using it. इसका मतलब है मेरा भाई इस्तेमाल कर रहा है तो फिर किशोर कहती है I see. इसका मतलब है अच्छा तो वैसे तो मैं हमेशा गाड़ी से जाती हूं, लेकिन कल मुझे ट्रेन से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा भाई मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है तो फिर मैं और किश्वर अगले दिन वापस मिलते हैं तो फिर मैं पूछती हूँ यू हीर देर वॉज अ मेजर एक्सीडेंट ऑन हाईवे वे सिक्सटी सिक्स यस टे तो डिज्यू का मतलब है तुमने सुना फिर मैंने कहा देर वॉज अ मेजर एक्सीडेंट ऑन हाईवे 66 सिक्सटी सिक्स इसका तर्जुमा है कल एक बड़ा हादसा हुआ था हाईवे वे सिक्सटी सिक्स पर इट वॉज़ अ फिफ्टीन खार फाइल जब काफ़ी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराती हैं तो उसे हम फाइल अप कहते हैं तो अगर मैं कह रही हूँ कि फिफ्टीन खार फाइल अप था इसका मतलब है पंद्रह गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई है तो ये है एक तस्वीर खार फाइल अप की तो फिर किशोर ने जवाब दिया गुडनेस Isn't that the highway you take to get to work? हम जैसे अफसोस में कहते हैं हाई हाई या ऑफ हो तो अफसोस का इजहार करना हो तो आप गुडनेस कह सकते हैं गुडनेस फिर कहा isn't that the highway वे यू to get टू वर्क इसका मतलब है ये वही वाला रोड है ना जो तुम काम पे जाने के लिए लेती हो हाई वे बड़ा सा रोड होता है ये है तस्वीर हाईवे की तो ये कह रही है ये वो ही वाला रोड है ना जो तुम काम पे जाने के लिए लेती हो फिर उसने कहा इट्स अ गुड थिंग यू ठेक द ट्रेन इसका मतलब है अच्छा हुआ कि तुमने ट्रेन ली थी तो फिर मैंने जवाब दिया आई नो इट वॉज अ ब्लसिंग इन द और यह है हमारा इडियम पहले हम आई नो से शुरू करते हैं वैसे तो आई नो का मतलब है मुझे पता है लेकिन जब हम किसी की बात से सहमत होते हैं या इत्तेफाक करते हैं तो हम कहते हैं आई नो जब ऐसा होता है तो हम उर्दू में कहते हैं है ना तो फिर कहा मैंने इट वॉज़ अ ब्लेसिंग इन द ब्लेसिंग इन द एक अच्छी चीज़ होती है लेकिन जब हमारे साथ हो रहा होता है तो हमें ये एहसास नहीं होता कि अच्छा हुआ कभी कुछ बुरा होता है हमारे साथ तो हम सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है लेकिन फिर हमें बाद में पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ अगर मैं अपनी गाड़ी में काम पे जाती तो शायद मैं एक्सीडेंट में मौजूद होती और उस एक्सीडेंट की वजह से मैं फंस जाती हाईवे पर लेकिन मैंने ट्रेन ली तो मुझे उस मुसीबत से नहीं गुज़रना पड़ा तो ये एक ब्लसिंग इन द कही गई जब हमें बाद में पता चलता है कि जो हुआ वो वाकई अच्छा हुआ तो इसे कहेंगे ब्लेसिंग इन द तो किशोर ने कहा इट्स अ गुड थिंग यू took द ट्रेन और फिर मैंने कहा आई नो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन द तो इसका पूरा तर्जमा है अच्छा हुआ कि तुमने ट्रेन ली थी और फिर मैंने जवाब दिया है ना एक ब्लेसिंग इन द थी this lesson until next time, remember to share your knowledge.